नमस्कार दोस्तों, मैं राजन राही राजीव राज प्रोडक्शन बैनर तले एक नया प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है एक खास मुलाकात। तो दोस्तों, प्रोग्राम का नाम है खास मुलाकात, तो उसमें खास ही लोग होते हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा खास इंसान है जो हमारे साथ है। तो आइए, ये है हमारे शिवचरण शिव जी। अब इनके बारे में हम कुछ बताएं या ये हमसे कुछ सवाल जवाब करें, उससे पहले कुछ झलकियां हम इनकी देखते हैं। तो हो जाए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवचरण शिव। आजकल परिवार दिखण जुगता फिल्म तो बनी नहीं लगी छी। दिल की छे तू बंदी मायाली। तेरी कंजूसी सही नहीं होती है। आज मैं उनको फीकी चाय पिलाऊंगा और तू चाय बना और देख आगे। अंगुलों फोन में घबरों कहीं चा। तो आपने पहचान लिया होगा। शिवू जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवचरण शिवू जी राजीव राज प्रोडक्शन का शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है और मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। जी बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि इस देश में अगर कहीं खूबसूरती है तो पहाड़ों में। बिल्कुल। और आपको देखकर लगता है कि आप पहाड़ों के रहने वाले, क्योंकि आपकी ये प्यारी सी स्माइल और आपके चेहरे पे ये रौनक, ये तो पहाड़ों में मिलती है। अच्छा शिवचरण जी, एक कलाकार होता है ना, उसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा आपको कब काटा, बचपन में, जवानी में, या इस टाइम कब आपको लगा कि यार मुझे भी पर्दे पे आना चाहिए और मैं भी काम करूँगा, मैं भी एक्टर बनूँ? कब आप कहाँ आने की सोची आपने? मेरा दोस्त थे और मैं अपने पुराने गाने सुनता था जी। हमारे उत्तराखंड के जितने भी गाने थे सब सुनते, और उसमें फिर मेरा एक खास दोस्त था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक मैंडुलम बजाते थे और वो मेरे को जब बोलते थे कि भाई आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? मैं कई बार उनके साथ गया, अच्छा लगा मुझे उनके साथ जाने में, थोड़ा सा उनको कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्या हुआ कि मेरा भी थोड़ा सा इच्छा कुछ जागने लगी। फिर तब से थोड़ा धीरे 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 करके फिर ऐसे ही चलता रहा अपना। फिर मेरा एक और दोस्त था, उसने बोला कि भाई मेरे को ना गाना गवाना है। अच्छा। और गाना भी गाना है। अरे तो मैं बोला किसके पास ले चलो उसको, कैसे ले चलूँ, कैसे करूँ? फिर मेरा वही दोस्त था जो कि मंडलम बजाता था, तो उसके पास ले गया। उसने लोगों से मुलाकात कराई, म्यूजिक डायरेक्टर से बात कराई जी, और उसका काम हुआ। मैंने जब उसका काम देखा, उनका जब ट्रैक बना, गाते हुए देखा, सब सुना मैंने, तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा जब हमारे आम जनता इस तरह से बात कर सकती है, काम कर सकती है, तो थोड़ा सा रियाज करके मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी इस फील्ड में आ जाऊँ, अपने उत्तराखंड संस्कृति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपना सहयोग कर सकूँ। तो इस तरह से मेरा आना हुआ इसमें। जी जी। तो शिवचरण जी जी, आप दिनचर्या के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आप कुछ ना कुछ करते होंगे। बिल्कुल। तो कैसे आप समय निकाल लेते हैं इस लाइन में, क्योंकि रोजमर्रा से काम करके और इसी लाइन में आप आ रहे हैं और आप छा भी रहे, ऐसा कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? बस जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है देर सवेर, थोड़ा अपने धुन में जो कि मैं सारे दिन भर देखता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ, जो भी चीज़ मेरे को याद आती है मैं थोड़ा सा ठक से लिख देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। पेपर पे लिख देते हैं? पेपर में लिख देता हूँ। अच्छा। और उसके बाद जब भी मुझे पूरा समय मिलता है छुट्टी वाले दिन में, तो मैं फिर वो पूरा काम कर लेता हूँ।
और दूसरे लोगों का एक सब देखता रहता हूँ कब क्या है, कब अच्छा सा अच्छा प्रोग्राम किसका हो रहा है, उससे मुझे एक्सप्रेशन मिलता है जी, मदद मिलती है, देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप शहर में रहते हैं, पहाड़ों से दूर हैं, बिल्कुल, तो आपको पहाड़ों की याद तो आती है? बहुत आती है, पहाड़ों की याद तो आती है बहुत। अच्छा, जाता रहता हूँ गांव में। अच्छा, कई चीज़ें होते हैं कि हमें बहुत जरूरी जाना होता तो जाते रहते हैं गाँव। गाँव के तो एक अपना क्या बचपन गुजरा है उसमें, और उसके साथ तो वो जगह कभी पूरी नहीं हो सकती है जी। जो जन्म हुआ, बचपन गुजरा, स्कूल पढ़ा, जितने भी साथी लोग थे सब चले गए इधर उधर से, कोई नहीं है इधर, लेकिन अब खाली फोन तक सीमित रह गया। अच्छा। बातें वैसे अगर मिलने के लिए कोई जाओ तो तुम कहाँ रहते हो जी, मैं तो वहाँ, अच्छा यार बहुत दूर हो गया मैं नहीं आ पाता हूँ, ऐसा करो वीडियो कॉलिंग करो इस तरह से थोड़ा आपस में बातचीत हो जाती है लोगों से अपने, तो फोन के माध्यम से बहुत सारा हो गया। अच्छा शिवचंद जी, आप इस लाइन में हैं और काफ़ी समय आपने दिया जी, कोई ऐसा हादसा या ऐसी ट्रेजेडी जो आपके साथ हुई हो और आपको वो बात, वो लम्हा याद करके आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ऐसी कोई बात जो आपको आज भी याद आती है? हाँ, याद था मुझे, मैं जब मेरा फर्स्ट फिल्म था हैजक उपयोग गढ़वाले में, जो कि बहुत सुपरहिट हुआ था और अभी भी बहुत चलता है वो फिल्म, बहुत चलती है, तो उसमें एक डायलॉग भी था और उसमें एक सीन ऐसा था कि मैं नहीं कर पाया था उसको जी, तो वो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा उस तरह से तो वो उस चीज़ का मुझे मलाल था कि वो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो, फिर वो एक कटाक्ष के बारे में था तो वो मैंने बोला कि यार वो ठीक नहीं उस तरह से। जब भी आपको वो चीज़ याद आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कोई हंसी की बात? हंसी की बात अभी बहुत सारी है, कई बहुत चीज़ें हैं, ये जो आपके दिल में हो, छूती हो आपके दिल को। वो हमारा एक गाना है जो कि नोनी बचाओ के ऊपर एक गाना था, जो कि वो बहुत अच्छा है, उसे रोना भी आता है कि कोई बच्चा आजकल बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर आधारित है एक अगर बच्चा अगर पेट में है तो उसकी फीलिंग कैसे होगी, जबकि बाहर आजकल बहुत निर्ममता से इस तरह से व्यवहार किया जाता है, तो हमने उसकी फीलिंग को लेते हुए समझ के एक गाना बनाया है, जिसका नाम है कि हिंदी में बताता हूँ, वैसे गढ़वाली में लेकिन हिंदी में बताऊँगा। आँखी खुलेगी उजाला देखूंगी जब नई दुनिया में जाऊंगी, जब नई दुनिया में जाऊंगी, होगा साकार मेरा भी सपना, होगा साकार मेरा भी सपना, पंख लगेगी उड़ूंगी, आँखी खुलेगी उजाला देखूंगी जब नई दुनिया में जाऊंगी, जब नई दुनिया में जाऊंगी। इस तरह से गाना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाना, बहुत अच्छा था जी। तो सर, आगे आपको क्या प्लानिंग है इस मीडिया को लेके, फ्यूचर में क्या सोचा है कि कहाँ तक क्या करना है, क्या है? मन में बहुत सारे इरादे होते हैं ना कलाकार के, यार मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो आपने क्या सोचा? बिल्कुल, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि फाइनेंस प्रॉब्लम होती है जी। अब फाइनेंस अगर सही जगह में फाइनेंस हो जाए, जो कि सोच है, जैसे कि अभी हमने सोचा कि पलायन के ऊपर उत्तराखंड में कितना पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारण कोई नहीं देख पा रहा, और भ्रूण हत्या पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है, उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ काम होना चाहिए, लेकिन जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उस तरह से अगर करें, अगर किसी का सहयोग मिले तो वो सब पूरा हो सकता है। अच्छा, आपका नया प्रोजेक्ट जो अब आने वाला हो, दर्शकों को बताइए कि आप अब आपका कौन सा नया ड्रीम है जो अब पूरा होने जा रहा है? अभी हमारे एक दोस्त का गाना है, डीजे सॉन्ग है, देखी तेरी मुखड़ी राज लगी के, मतलब गढ़वाली में है जी जी, तो वो बहुत डीजे सॉन्ग है, अब कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। आपने लिखा ये? मैंने नहीं लिखा, मेरे दोस्त का है। तो आप उसमें काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आएगा उसमें, उसको लेके प्लानिंग, उसके लेके प्लानिंग है, और बाकी मेरी कुछ कॉमेडी है जी वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा चैनल है या आप किस चैनल के लिए काम करते हैं कुछ? मैं दृष्टि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए काम करता हूँ, और जो कि उसमें काम करना थोड़ा एक अच्छा लगता है, दृष्टि जो कि दृष्टि इसलिए रखा कि
उसमें सबकी दृष्टि जाए। नाम ही बहुत खूबसूरत है, बहुत क्योंकि हर एक चीज में दृष्टि, मतलब पहली नजर उसमें जाए, तो इसलिए उसका नाम भी दृष्टि का अच्छा लगा। अच्छा सर, जनता को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऐसे बात जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहता हूँ कि जो भी कलाकार इस क्षेत्र में आता है और उसको मनोबल बढ़ाने के लिए पहले तो आप उसको सहयोग करें, अगर सहयोग नहीं करते हैं, जो भी अपने मेहनत से काम करता है, अपना हुनर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, डिसलाइक मत करना। डिसलाइक करने से क्या होता है, उसका मोरल डाउन होता है, या अब शब्द जो भी उसमें कमेंट्स करते हैं, अब आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरों का भी मनोबल डाउन मत करना। बिल्कुल, ये मेरी आप लोगों से एक विनती है कि जो भी हो, जो भी कर रहा है अपने पैसे में या अपने बलबूते पर कर रहा है, देखने वाले का क्या होता है कि दो मिनट में देखा या एक सेकंड में देखा, कुछ नहीं है, सब ठीक नहीं है। सर आपने जो मैसेज दिया जी, आप मानिए मेरे दिल को बहुत छुआ, और मनोबल कभी किसी का तोड़ना नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपकी बात लगी। शिवचरण जी आए हमारे इस प्रोग्राम में एक खास मुलाकात में, और बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर, इनके बारे में जानकर, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में उसकी बारीकियाँ जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे ही किसी खास व्यक्ति से मिलाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।